नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सेना में भर्ती के लिए सरकार की अग्निपथ योजना की काफी आलोचना हो रही है। इस बीच बिहार में युवाओं ने इसका विरोध किया है और अलग अलग शहरों में हंगामा शुरू हो गया है। योजना का विरोध करते हुए युवाओं ने बक्सर में ट्रेन पर पथराव किया तो मुजफ्फरपुर में सड़कों पर हंगामा किया जा रहा है। कई जगह चक्का जाम की भी खबर है। काशी पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस समेत कुछ ट्रेनों को रोके जाने की भी खबर है। बता दें, सरकार ने सेना भर्ती के लिए नई योजना अग्निपथ का ऐलान किया है, जिसके तहत सेना में युवाओं को 4 साल तक काम करने के लिए मौका मिलेगा और इसके बाद उनमें से 25% युवाओं को ही रखा जाएगा, बाकियों को निकाल दिया जाएगा। यानी 100 में से 25 लोगों को ही पूर्णकालिक सेवा का मौका मिल पाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में बेरोजगारी कम करने के साथ ही रक्षा बजट पर वेतन और पेंशन के बोझ को भी घटाना बताया जा रहा है, जिसके बाद सेना में उच्च पदों पर रह चुके लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। उनका कहना है कि 4 साल बाद ये प्रशिक्षित लोग क्या करेंगे, फिर से बेरोजगार हो जाएंगे। सेना में अहम पद पर रह चुके वीरेंद्र धनुआ ने ट्वीट कर कहा कि पेशेवर सेनाएं आमतौर पर रोजगार योजनाएं नहीं चलाती हैं। इसके अलावा बाकी लोगों ने इससे समाज के सैन्यीकरण का खतरा जताया और कहा कि जब एक बड़ी संख्या में हथियार चलाने के लिए प्रशिक्षित किए गए युवा 4 साल बाद ही नौकरी पूरी कर वापस लौटेंगे, तब कानून व्यवस्था से जुड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से बुधवार को एक बार फिर ईडी के अफसर पूछताछ कर रहे हैं। ये लगातार तीसरा दिन है जब नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राहुल पूछताछ का सामना कर रहे हैं। बुधवार को महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। कांग्रेस के कई सांसदों को पुलिस ने 24 अकबर रोड स्थित पार्टी मुख्यालय जाने से रोक दिया। इस इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है और पुलिस ने किसी भी तरह के जमावड़े पर रोक लगा दी है। कांग्रेस के कई सांसद इस वजह से पार्टी के दफ्तर नहीं पहुंच सके और उन्हें वापस लौटना पड़ा। जांच एजेंसी ने मंगलवार को करीब 10 घंटे तक राहुल से पूछताछ की थी और सोमवार को भी इतनी ही देर तक पूछताछ की गई थी। ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत राहुल गांधी के बयान दर्ज किए हैं। जांच एजेंसी ईडी के द्वारा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से पूछताछ के विरोध में कांग्रेस ने बुधवार को भी दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन किया है। संसद भवन में गांधी प्रतिमा के पास भी कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के कई सांसदों को पुलिस ने 24 अकबर रोड स्थित पार्टी मुख्यालय जाने से रोक दिया। इस इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है और पुलिस ने किसी भी तरह के जमावड़े पर रोक लगा दी है। कांग्रेस के कई सांसद इस वजह से पार्टी के दफ्तर नहीं पहुंच सके और उन्हें वापस लौटना पड़ा। कांग्रेस नेताओं ने ईडी के दफ्तर के बाहर भी जोरदार प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय के बाहर धरना दिया। कांग्रेस ने कहा कि दिल्ली पुलिस के कुछ जवान पार्टी के मुख्यालय के अंदर तक आ गए। इसके बाद वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी, केसी वेणुगोपाल, भूपेश बघेल, अजय माकन और गौरव गोगोई मुख्यालय के गेट के बाहर धरने पर बैठ गए और उन्होंने बीजेपी और दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि पुलिस किसी राजनीतिक दल के मुख्यालय के अंदर घुस गई हो। महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं ने इस दौरान तानाशाही नहीं चलेगी, राहुल गांधी आगे बढ़ो के नारे लगाए। जुलाई में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी दलों की बुधवार को दिल्ली में बैठक रखी गई है। ये बैठक टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी के आह्वान पर रखी गई है। इस बैठक में कांग्रेस, सपा, राष्ट्रीय लोकदल, एनसीपी, वाम दलों, झामुमो सहित अन्य विपक्षी दलों के नेता शामिल होंगे। ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों को पत्र लिखकर इस बैठक में आने की अपील की थी। कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश और रणदीप सुरजेवाला बैठक में शामिल होंगे। इससे पहले मंगलवार शाम को नई दिल्ली में ममता बनर्जी ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की थी। बता दें कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 18 जुलाई को मतदान होगा, जबकि नतीजे 21 जुलाई को आएंगे। नामांकन की अंतिम तारीख 29 जून है। ममता बनर्जी द्वारा बुलाई गई बैठक में तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी कि टीआरएस शामिल नहीं होगी। टीआरएस ने बैठक में कांग्रेस की मौजूदगी का विरोध किया है। इसके अलावा नवीन पटनायक की बीजू जनता दल और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी भी बैठक में शामिल नहीं होंगे। वहीं अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी ने भी आज की बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक उम्मीदवार के फाइनल होने के बाद ही पार्टी फैसला करेगी। पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल सेक्युलर के नेता एचडी देवेगौड़ा उन विपक्षी नेताओं में शामिल हैं जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग लेंगे। देवेगौड़ा के कार्यालय ने कहा कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी द्वारा बुलाई गई महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने के लिए पूर्व पीएम बुधवार सुबह दिल्ली की यात्रा करेंगे। पूर्व पीएम के साथ उनके बेटे कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी भी जा रहे हैं। बनर्जी द्वारा बुलाई गई बैठक बुधवार सुबह करीब 3 बजे नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होनी है।
राष्ट्रपति चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाई है। इसमें AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी को नहीं बुलाया गया है। ओवैसी ने इसको लेकर कहा कि मुझे नहीं बुलाया गया है, अगर बुलाया जाता तो भी मैं नहीं जाता। इसकी वजह कांग्रेस है, हमें खरी खोटी सुनाने वाली तृणमूल कांग्रेस बुलाती तो हम इसलिए नहीं जाते क्योंकि उन्होंने बैठक में कांग्रेस को बुलाया है। बिहार में सत्तारूढ़ जदयू और सहयोगी भाजपा के रिश्तों में मतभेद खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब जनसंख्या नियंत्रण को लेकर दोनों पार्टियों के बीच मतभेद बढ़ गए हैं। बता दें, बीजेपी के बिहार अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने प्रदेश की जनसंख्या को नियंत्रण में करने के लिए सरकार को सुझाव दिया था और कहा था कि केवल 2 बच्चों वाले लोगों को पुरस्कृत किया जाना चाहिए। इस पर जदयू ने कहा कि बीजेपी इस मुद्दे पर लोगों को गुमराह कर रही है। जदयू के MLC नीरज कुमार ने इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए कहा कि भाजपा बिहार की आबादी पर आधा सच बता रही है। नीतीश के इस दावे को दोहराते हुए कि केवल शिक्षा और जागरूकता ही जनसंख्या को कम करने में मदद कर सकती है, नीरज कुमार ने कहा कि भाजपा को पहले जवाब देना चाहिए कि पार्टी के नेतृत्व वाले NDA ने 2 बच्चों के मानदंड को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन को क्यों खारिज कर दिया था। JDU नेता ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने एक जनसंख्या नियंत्रण आयोग का गठन किया था जिसमें उन सरकारी अधिकारियों को लाभ देने की सिफारिश की गई थी जिनके 2 से अधिक बच्चे नहीं, लेकिन NDA सरकार ने इस पर विचार को खारिज कर दिया और शिक्षा को प्राथमिकता दी। इसके साथ ही कुमार ने कहा कि जनसंख्या वृद्धि के लिए बीजेपी द्वारा मुसलमानों को दोष देना भी गलत है क्योंकि मुस्लिम और हिंदू प्रजनन दर के बीच का अंतर 1992 में 1.10 से घटकर अभी ताज़ा सर्वेक्षण में 0.36% हो गया है। मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव के टिकट वितरण में बीजेपी हाईकमान ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के सर्वे को दरकिनार कर दिया है। लंबी माथापच्ची के बाद मंगलवार देर शाम कुल 16 नगर निगमों में से 14 के लिए मेयर पद के घोषित टिकटों ने बीजेपी नेताओं को भी चौंका दिया है। सत्य हिंदी से जुड़े मध्य प्रदेश के पत्रकार संजीव श्रीवास्तव ने बताया है कि आधे टिकट RSS पृष्ठभूमि वाले ऐसे चेहरों को दिए गए हैं जो अनजान हैं अथवा बहुत ही मामूली तौर पर पहचाने जाने वाले हैं। उनका कहना है कि देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में अनेक दावेदार थे, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्य के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय, लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष और कई बार इंदौर की सांसद रहीं सुमित्रा महाजन सहित तमाम नेताओं की पसंद को दरकिनार करते हुए पुष्यमित्र भार्गव को टिकट दिया गया है। उन्हें एडिशनल एडवोकेट जनरल पद से इस्तीफा दिलाकर चुनाव मैदान में उतारा गया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रहना और राष्ट्रीय स्वयंसेवक में सक्रियता उनके टिकट की सीढ़ी बनी है। केंद्र सरकार ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंजूरी दे दी है। PM नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कैबिनेट ने यह फैसला किया। इसकी नीलामी जुलाई के अंत में की जाएगी। इसमें 72 GHz की नीलामी होगी और इसकी वैधता 20 वर्षों की होगी। भारतीय टेलीकॉम कंपनियों द्वारा 4G की सफलता के बाद 5G स्पेक्ट्रम की शुरुआत को लेकर मांग की जा रही थी जिसे अब केंद्र की मंजूरी मिल गई है। सरकार का कहना है कि 5G की गति 4G से 10 गुना अधिक होगी और जल्द ही ये सेवा शुरू की जाएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सुप्रीमो नवाज शरीफ ने सरकार से अपने राजनीतिक विरोधी रहे और पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ को खराब स्वास्थ्य के कारण UAE से पाकिस्तान लौटने की सुविधा देने को कहा है। मुशर्रफ की तरह ही पिछले कुछ सालों से विदेश में रहने को मजबूर नवाज ने कहा, मुझे अपने प्रियजनों के लिए जो आघात सहना पड़ा है वो ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं किसी और को सहते देखना चाहता हूँ। मैं ईश्वर से उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूँ। अगर वे वापस आना चाहते हैं तो सरकार को सुविधाएँ देनी चाहिए। बता दें, 1999 में नवाज शरीफ और मुशर्रफ के संबंध जब खराब हो गए थे जब नवाज प्रधानमंत्री थे और उनकी सरकार को तत्कालीन सेना प्रमुख मुशर्रफ ने उखाड़ फेंका था। बता दें, मुशर्रफ का स्वास्थ्य बेहद खराब है। बीच में ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स भी आई कि उनका निधन हो गया है। हालांकि मुशर्रफ के परिवार ने शुक्रवार को स्पष्ट किया था कि वो वेंटिलेटर पर नहीं थे लेकिन पिछले 3 सप्ताह से अस्पताल में भर्ती थे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।